दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका उमेश टावर में। आज हम मैसी ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके जो भी परफॉर्मेंस है, इंजन का परफॉर्मेंस है, चाहे वो खेत जुताई करने में हो, चाहे ट्राली खींचने में हो, जो भी काम करता है ट्रैक्टर, इसके साथ ड्राइवर छोटू ड्राइवर हैं। इनका नाम वैसे रामदीन प्रजापति है, लेकिन हम लोग इनको छोटू ड्राइवर के नाम से ये मशहूर हैं। तो इनके साथ मिलकर के हम जानेंगे, बड़कू ड्राइवर हैं और ये इनसे बड़कू ड्राइवर हैं। बड़कू ड्राइवर हम, छोटू ड्राइवर के भाई बड़कू ड्राइवर। अच्छा, ये दोनों भाई मिलके काम करते हैं ट्रैक्टर के, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेड जो है बहुत बढ़िया है, शानदार है, हैलोजन यहाँ पर हेडलाइट मिल जाता है। ये छोटू ड्राइवर जी बताइए, ये क्यों लगाते हैं ट्रैक्टर में? ये अपने वजन के लिए, जैसे ट्राली ले जाते हैं तो वजन, अच्छा वजन, हाँ, बैलेंस बना रहे। हाँ, और इंजन उठे ना। अच्छा, इंजन उठे ना। हाँ, इसलिए इसको बनाया गया है। और सो भी है, अगर सामने कोई कुछ टकरा गया तो इससे मतलब अपना ये इंजन जो है बॉडी बच जाएगा, बस बैटरी डैमेज नहीं होगा, बच जाएगा। हाँ, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसलिए एक मतलब एक गार्ड की तरह है ये, सुरक्षा गार्ड तरह लगाया जाता है हर ट्रैक्टर में, मिल जाएगा आपको। ये मैसी की अभी नई गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक है, सिस्टम दिया हुआ है। इनके बारे में बताइए, क्या लगा हुआ है? वो डीजल फिल्टर है, डीजल फिल्टर हुआ है जी। और ये क्या लगा है भाई? वो ग्लासी है, वहाँ से टंकी से उसमें आता है, उससे फिर इधर पंप में आता है। अच्छा, यहाँ हाँ, टंकी से इसी में तेल आता है, इसमें आएगा, इससे फिल्टर में आएगा, फिल्टर से फिर पंप में जाएगा, पंप में जाएगा। हाँ, अच्छा, पूरा प्रोसेस ये रहता है। हाँ दोस्तों, इसमें हाई क्वालिटी के गियर दिए हुए हैं, क्लच है, ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। इसमें कितने गियर की गाड़ी है? चार गियर है, एक बैक है, चार गियर की है, चार पाँच गियर की है। थोड़ी आप गाड़ी में चल लें ट्रैक्टर में और थोड़ी बताएं। हाँ भाई, तो बताइए ट्रैक्टर की हाई स्पीड कितना तक चला लेते हो आप? इसमें चलता है 25 तक। 25 तक चलता है? हाँ, 25 तक। और आगे क्यों नहीं चलता है? आगे नहीं चल पाता है, इतना मतलब हाई स्पीड रहता है, स्पीड इतना नहीं रहता है, सिर्फ 25 तक जाएगा, इसके बाद फिर नहीं जाएगा। अच्छा, और ज्यादा कूदेगा, फिर ज्यादा स्पीड भगाने में कूदेगा। हाँ, उतना जरूरत नहीं होती स्पीड से ले जाने ट्रैक्टर को, क्योंकि इनको माल वाहक है, भारी सामान जो है लेकर आगे बढ़ना पड़ता खेत है। में चलता है, खेत बारी के चलने वाला है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं भगाया जाता है। अच्छा, और ये एवरेज कहो तो एवरेज वही देता है, 8-9 का एवरेज देता है। जुताई में कितना एवरेज देता है? जुताई में प्रति घंटा वही 4-5 लीटर खाता है प्रति घंटा। अच्छा, वजन लेके चलता है, 11 फार का नांगल लेके चलता है, और प्लस खेत में चलता है, जुताई का वो रहता है, इसलिए इतने देता है। मतलब अभी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत वजन हो जाता है जुताई करते समय। और ट्राली लेके चलता है? तो ट्राली लेके चलता है तो वही घंटे में तो नहीं चल पाता है, वो किलोमीटर के हिसाब से चलता है, वही 8-9 किलोमीटर चलेगा एक लीटर। हाँ, लोड में तो अधिक खाएगा। हाँ, और फिर है रोड के हिसाब से, कैसा रोड है, कैसे सड़क है। हाँ, ये सब रहेगा। हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि ये क्या लगा हुआ है? ये हमने थोड़ी नहीं, एयर क्लींजर है जो कि हवा खींचता है। हाँ, और हवा खींच के उसमें जाता है इंजन में, रेडी वाटर में, जो कि मतलब फिल्टर होके और वहाँ मतलब ठंडा वो रहता है। अच्छा, ठंडा करता है ये? हाँ, कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए विशेषकर, है ना। ठीक है, आप बड़कू ड्राइवर जी इधर आइए, आप अपना थोड़ी एक्सपीरियंस बताइए ट्रैक्टर के बारे में, मैसी ट्रैक्टर के बारे में। मैं 2 साल से चला रहा हूँ ट्रैक्टर। मैसी ट्रैक्टर कहा जाए तो ठीक ही है आज के डेट में, जुताई के लिए बहुत अच्छा है और लोडिंग भी अच्छा है। अच्छा, लोडिंग कितने टन होता है छोटू? खिंचाई इसका कोई वो नहीं रहता, टाली के ऊपर रहता है, जैसे 10 फीट, 5 फीट, 8 फीट, ऐसे टाली के ऊपर, टन के ऊपर होता है, टन भार क्षमता के ऊपर होता है। कितना इस अच्छा चल पाएगी? हाँ, ये धीरे चलेगी, स्लो चलेगी, है ना। अब अपन क्या है, इसमें खेत भी जोतते हैं, खेत भी जुताई होता है, प्लस इसमें अपना राड, गिट्टी, सीमेंट जो भी रखना हो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, है ना। हाँ, उससे कहने का मतलब कि गाड़ी परफेक्ट है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो नेस्ट्रा हो, चाहे कोई सी भी हो, महिंद्रा, सोनालिका, कोई भी हो, गाड़ी अपने अपने में सब अच्छे हैं। अच्छे चलाने वाले अच्छे होना चाहिए तो गाड़ी सब अच्छे हैं। हाँ, चलाने वाले के ऊपर है,
जैसे हम छोटू ड्राइवर, हमारा छोटा भाई छोटू ड्राइवर, उसको दे दिए, वो पता चला कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला, हम अपने हिसाब से चला रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहा है, समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सबका अलग अलग अंदाज है कि कौन कितने में मोड़ता है, कौन कितने में नहीं मोड़ता है। और हम कहते हैं हम एक आधे में मोड़ देंगे, आधे में कभी नहीं ट्रैक्टर मोड़ता, क्योंकि इसका टाली जो रहता है वो उल्टा रहता है। ये टाली है, अगर हम सीधा बैक करेंगे, सीधा बैक करेंगे तो टाली उल्टा है, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा बैक करेंगे तो टाली सीधा हो जाएगा। और ये है फार वाला लगाने वाला, ये फार है ना, ठीक। हम इसको फार फंसा सकते हैं जुताई करने के लिए, हम अगर खेत जोतने जा रहे हैं तो फार लगा के अपन यहाँ फंसा लिए, फार फार फंसाने के बाद फार लगा लिए, इसके बाद ट्रैक्टर जुताई कर दिए, इसको रहता है तो इसको निकाल के आदमी फंसा देता है ना। और ट्रैक्टर ट्राली है, ट्राली है, ट्राली बहुत बढ़िया, टायर भी है, सभी कुछ लगे हुए हैं। इसमें दो टायर क्यों लगवा दिया करते हैं, मैं देखा हूँ कई वो कई, ये दो टायर भी लगता है क्योंकि ज्यादा वजन होने से दो टायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टायर हाँ हो जाता है। और वन टायर में क्या रहता है कि उसमें ज्यादा मतलब भार नहीं रख सकते हमारे, क्योंकि लोडिंग जो रहती है उसके खींचने का पावर कम हो जाता है। अच्छा, खींचने का पावर कम होता है। और मैं गाड़ी लहराने लगती है, अगर टाली टाली क्या है, सिंगल डबल में लहराने लगती है, लहराने लगती है, डबल में नहीं लहराती, बराबर मीडियम रहता है ना। हाँ। तो ट्रैक्टर कोई भी हो, हम किसी भी चीज को लेके, अपना गाड़ी हो चाहे दूसरे का हो, हम कहते हैं चलो ठीक है हमारी नहीं है दूसरे की है, मगर हम अपना समझ के चलाएंगे, हमको भी ना हानि हो ना गाड़ी को हमारे हानि हो, ना दूसरे दूसरे का हानि हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इसीलिए अपन सेफ्टी के लिए अपना आगे का बम्पर लगवा दिए हैं, वो लगा लगाया आता है बम्पर, हम कहते हैं चलो ठीक। हाँ, इसमें ये है कि सेफ्टी बेल्ट नहीं होता। हाँ, सेफ्टी बेल्ट नहीं होता, प्लस पावर स्टीयरिंग है। हाँ, ये भी पावर स्टीयरिंग आने लगी है आपकी, जो 2026 जो ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें भी पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर ब्रेक मिल जाता है, जिससे कंट्रोलिंग जो है अच्छा हो जाता है ट्रैक्टर का भी। दोस्तों, हमने यह वीडियो में ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया, एक ड्राइवर से हमने पूछा, जो बात जो है कंपनी नहीं बताती, शोरूम नहीं बताता कि ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी होती है, उस प्रकार से हमने विस्तार से ड्राइवर साहब के साथ मिल करके ट्रैक्टर के बारे में बताया। अगर आपको और कुछ जानना हो ट्रैक्टर के बारे में, चाहे वो कोई भी ट्रैक्टर हो का हो, कोई भी ब्रांड का हो, तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, तो उस पर हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। यह वीडियो में इतना ही। यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।